जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस प्रथम पत्र जैन इतिहास संस्कृति एवं कला इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने जैन इतिहास के बारे में जाना। जैन इतिहास से तात्पर्य 24 तीर्थंकरों का इतिहास, 24 तीर्थंकर के पहले उनके पूर्वजों का इतिहास, उसके पहले कालचक्र को जाना और किस प्रकार से यह सृष्टि परिवर्तन चल रहा है इसको जानते हुए ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत हमने 24 तीर्थंकरों की जीवनी को जाना। उसके साथ ही भगवान महावीर के बाद जैन परंपरा का क्या इतिहास रहा, क्या काल कर्म रहा, क्या परिवर्तन हुए उसको हमने जाना। अब हम ये जानेंगे कि जैन कला क्या है, अर्थात किस प्रकार से जैन परंपरा में कलाओं का विभाजन हुआ, कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है, कला 72 पुरुष की, जा में दो सरदार, एक जीव की जीविका, दूसरा जीव उद्धार। अर्थात सामान्यतः कला से क्या तात्पर्य है, ऐसी कोई स्किल, ऐसी कोई चतुरता हमारे अंदर हो जिससे हम अपने जीवन को जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकें, और एक ऐसी कला जो आध्यात्मिक कला होती है, अंतरंग कला कहलाती है, जिससे हम अपना उद्धार कर सकें। इसलिए कहा कला 72 पुरुष की, अर्थात मनुष्य के अंदर अधिकतम 72 कलाएं होती हैं, 72 प्रकार की स्किल होती है। उनमें से मूलतः दो हैं, एक तो जीव की जीविका, एक कला वो होती है जिससे हम अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो व्यापार की कला हो, चाहे जॉब की हो, चाहे स्पेशलाइजेशन हो। एक जीव उद्धार, एक होता है वो कला जिससे हम अपने जीवन का उद्धार करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा का विकास कैसे संभव हो, इसके लिए जो स्किल, जो चतुराई, जो विशेषज्ञता यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, उसे जीव उद्धार कला के नाम से जाना जाता है। परंतु हम यहाँ कुछ दूसरे प्रकार से कला की बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैन परंपरा में दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। प्रतिदिन जैन व्यक्ति देव दर्शन करने जाता है, पर्व के दिनों में विशेष उपासना की जाती है, विधान आदि किए जाते हैं, पंच कल्याणक होते हैं जिनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा की जाती है या करवाई जाती है। तो मूर्ति अपने आप में एक विशेष है, विशेषज्ञता को लिए हुए है, और मूर्ति हमारे 24 तीर्थंकरों की याद दिलाती है। मूर्ति को देख के 24 तीर्थंकर के स्वरूप को हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, और मूर्ति के बारे में कहा गया है कि जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाय। अर्थात मूर्ति कैसी होनी चाहिए, हम मूर्ति कला की बात करने जा रहे हैं, तो मूर्ति होना कैसा चाहिए, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, कि जय परम शांत मुद्रा समेत, भगवान की मूर्ति परम शांत मुद्रा वाली होना चाहिए। फिर क्या हो, कि जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, भक्त जनों को और भव्य जनों को, दोनों ही शब्द यहां प्रयोग हैं। तो जो भव्य जन है, जो भगवान के दर्शन पूजन के निमित्त आए हैं, तो भवि जन को निज अनुभूति हेत, भक्त जनों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए सहकारी है। फिर और क्या है उसमें, भवि भागन वच जोगे वसाए, कि वो भव्य जीव धन्य हैं जिन्हें आपके वचनों को सुनने का अवसर मिलता है, आपके स्वरूप को देखने का अवसर मिलता है, आपको छूने का, आपके प्रक्षालादि करने का अवसर मिलता है। ऐसी मूर्ति अपने आप में अनंत फलदायी होती है। मूर्तियां विशेषतः तीर्थंकरों की ही बनाई जाती हैं, और अनादि काल से मूर्ति कला का प्रचलन जैन परंपरा में रहा है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से मूर्ति कला का इतिहास रहा है और किस किस प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, किस किस प्रकार से इतिहास में खुदाई में विभिन्न नगर नगरों में मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनमें जो अभिलेख लिखे हुए हैं, प्रशस्ति लिखी हुई है, उन प्रशस्तियों के माध्यम से हम जानते हैं या जान सकते हैं कि यह मूर्ति कितनी प्राचीन है। हाल ही की बात है, कल ही मैं लूणवा, मौजमाबाद,
नारायणा नारायणा ये सांभर के आसपास राजस्थान में अतिशय क्षेत्र हैं, हजारों मूर्तियां वहां उपलब्ध हैं। किसी में संबत 700 लिखा हुआ है, किसी में 1000 लिखा हुआ है, किसी में 1100, किसी में 300, कहीं कहीं तो एक कहा जाता है चतुर्थकालीन मूर्तियां, अर्थात भगवान महावीर के निर्वाण के कुछ समय बाद ही जिन्हें बनाया गया, इतनी प्राचीन मूर्तियां भी उपलब्ध होती हैं। तो उन मूर्तियों को कुछ विशेषताएं होती हैं, सभी मूर्तियां समान नहीं होती हैं, इन्हीं विशेषताओं को आज हम देखेंगे। देखिए जैन धर्म में मूर्ति पूजा संबंधी उल्लेख प्राचीन काल से ही पाए जाते हैं। जैन आगमों में तीर्थंकरों व यक्षों की मूर्तियों को का विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। खारवेल का नाम आपने सुना होगा, कलिंग नरेश राजा खारवेल, इन्होंने ईसा पूर्व द्वितीय में हाथी गुंपा वाले शिलालेख में प्रमाणित किया है कि नंद वंश के राज्य काल में अर्थात ईसवी पूर्व चौथी पांचवी शताब्दी, इसका मतलब हो गया भगवान महावीर के निर्माण के जस्ट बाद, कुछ समय बाद, चौथी पांचवी शताब्दी में जिन मूर्तियां जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई थी, ऐसी ही एक मूर्ति को नंदराज कलिंग से अपहरण कर ले आए और उसे खारवेल कोई 2-3 सती पश्चात वापस ले आए। अर्थात ऐसे उन प्रतिष्ठित मूर्तियों में से नंद राजा एक मूर्ति को अपने यहाँ साथ ले गए, लेकिन खारवेल राजा ने वापस अपने साथ ले लिया। कुषाण काल की अनेक जिन मूर्तियां मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, कंकाली टीला मथुरा का बहुत प्रसिद्ध है और ये ऐसा टीला है जहां पर हजारों जैन मूर्तियां जैन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध होते हैं, वो सभी मूर्तियां आज भी मथुरा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। एक प्राचीन मस्तकहीन जिन प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। देखिए मस्तकहीन से क्या तात्पर्य है, मुगल काल में बहुत सारे जिन मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को, जैन मंदिरों को विशेषतः खंडित किया गया, जितनी मूर्तियां थी उन्हें खंडित किया गया। उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारी मूर्तियां खंडित कर दी गई, किसी के मस्तक काट दिए गए, किसी के हाथ खंडित कर दिए गए, किसी का धड़ खंडित कर दिया गया, विभिन्न प्रकार से खंडित की गई, लेकिन वो अवशेष के रूप में आज भी उपलब्ध होती हैं। प्राचीन काल में मस्तकहीन जैन प्रतिमा पटना संग्रहालय में सुरक्षित है जो लोहानीपुर पंजाब से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति पर चमकदार पॉलिश होने से उसके मौर्य कालीन होने का अनुमान किया जाता है। देखिए मौर्य काल अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध काल रहा है, सशक्त समर्थ काल रहा है, जैन धर्म की प्रभावना विशेष रूप से उस समय हुई है, तो ऐसे माना जाता है कि आज भी अगर वो उसकी पॉलिश सुरक्षित है तो उस समय स्वर्ण जड़ित प्रतिमाएं भी बनाई जाती थीं, ये उसका प्रमाण है। इनसे प्राचीन जैन मूर्तियां भारतवर्ष में कहीं भी प्राप्त नहीं होती, किंतु सिंधु घाटी की खुदाई में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे भारतीय मूर्ति कला का इतिहास ही बदल गया है और उसकी परंपरा उक्त काल से सहस्रों वर्ष पूर्व की प्रमाणित हो चुकी है, अर्थात पारसनाथ के टाइम की मूर्तियों की बात कही जा सकती है। ये देखिए भगवान ऋषभ की प्राचीन प्रतिमा खजुराहो में उपलब्ध है, पूरा का पूरा परिकर आप देख सकते हैं, हाथी ऊपर बने हुए हैं, अगल बगल में छोटी छोटे आकार में पद्मासन मुद्रा में मूर्तियां बनी हुई हैं, नीचे हाथ के दोनों तरफ यक्ष यक्षिणियां सेवा के लिए उपलब्ध हैं, और भी बड़ा सारा परिकर है। इस मूर्ति को आप जब रियल में जाके खजुराहो में देखेंगे तो नए नाभ ही राम, आप देखेंगे आगे आगे वक्ष स्थल पर ऐसा लग रहा है जैसे बालों के लट चोटियां आगे आगे आ गई हों, क्योंकि कहीं कहीं ऋषभदेव की ऐसी प्रतिमाएं भी उपलब्ध होती हैं जिनमें उनकी बाल इतने बढ़ गए थे कि यहां आगे तक आ गए थे। देखिए इन्होंने 1,00,000 पूर्व तक तपस्या की, 1,000 वर्ष तक तो ध्यान में लीन ही रहे, तो उस 1,000 वर्ष के काल में निश्चित ही नख और केस तो बढ़ते ही हैं, तो वो बढ़ गए होंगे, तो मूर्तिकार ने उसी आकृति को उसी छवि को उकेरा और उनके बाल यहाँ मस्तक के सामने बगल में दोनों वक्ष स्थल पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये बहुत प्राचीन प्रतिमा है और खजुराहो के मंदिर में पाई जाती है, तो मंदिर तो बहुत बाद का है परंतु इसकी जो कल्पना है, पीछे भामंडल दिखाई दे रहा है सूर्य के आकार जैसा, ऊपर से परिकर है, बालों की आकृति है, इससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। देखिए घुटनों के यहाँ एक खंडित हो चुकी है प्रतिमा, तो कई प्रतिमाएं ऐसी खंडित कर दी गई थी। और भी आप देख सकते हैं साइड में जो खड़गासन प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, इसके हाथ खंडित कर दिए गए, ये जूम करके दी गई है, बहुत छोटे साइज में अवेलेबल थी तो हाथ खंडित कर दिए गए, इसका परिकर भी बहुत विशाल है।
इसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं, कई सारे जैन मंदिर, जैन मूर्तियां छोटे छोटे आकार की, बड़े बड़े आकार की बनाई जाती थी और उन्हें प्रतिष्ठित किया जाता था विभिन्न प्रकार से, कहीं खड़गासन में, कहीं पद्मासन में, कहीं छोटी साइज की, कहीं बड़ी साइज की, कहीं एक ही पट्ट पर बहुत सारी मूर्तियां बना दी जाती थी। इसलिए प्रचार प्रभावना इसका मूल उद्देश्य रहा है। ये देखिए, एक ऐसा स्थान, ऐसा पट जिसमें सैकड़ों मूर्तियां बनी हुई हैं, त्रिकाल चौबीसी के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। ये मूल वेदी पर स्थापित एक घर के आकार जैसा है जिसमें बहुत सारी प्रतिमाएं स्थापित हैं और ये संगमरमर का बना हुआ है, बहुत प्राचीन है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने सामने जो मानस्तंभ दिखाई दे रहा है, पद्मासन में ब्लैक कलर की मूर्ति आपको दिख रही होगी, ये श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने तपस्या की थी वहाँ आज भी विद्यमान है। मूर्ति खंडित होने से खुले में रखी हुई है क्योंकि जैन परंपरा में खंडित मूर्ति को पूज्य नहीं माना जाता है, मूर्ति अखंड होनी चाहिए, परंतु उसका अपमान भी नहीं किया जाता। इसलिए संग्रहालय में या ऐसे स्थान पर जहाँ किसी के पैर ना लगे, जहाँ उसकी अवमानना ना हो, वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो ये मूर्ति भी प्राचीन है, चंद्रगुप्त मौर्य के ने जहाँ तपस्या की उस स्थान पर स्थापित होने से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसका आकार बड़ा है, परिकर बड़ा है, ये जो गुफा मानस्तंभ बने हुए हैं ये मौर्य कालीन ही हैं, इसलिए ये सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक है। इसको आप देखिए मूल रूप से देख सकते हैं, मूर्ति खंडित होने से यहाँ रखी हुई है, पीछे मंदिर बने हुए हैं, मानस्तंभ बना हुआ है, प्राचीन है और मूर्ति। वापस आप देख सकते हैं मंदिर की डिजाइन, मूलतः आज हम मूर्ति की बात कर रहे हैं, तो इधर बाएं तरफ जो मूर्ति दिख रही है आपको लाल बलुआ पत्थर के आकार में, यह प्रतिमा भी आदिनाथ भगवान की है, बहुत प्राचीन है। इसका परिकर भी जूम करने से दिखाई नहीं दे रहा, परंतु यक्ष यक्षिणी दोनों तरफ बने हुए हैं, ऊपर की ओर आभा मंडल बना हुआ है, प्रभा मंडल दिख रहा है और इसके साथ ही पद्मासन मुद्रा है, परंतु पांव के यहाँ कुछ खंडित हो गई है, इसलिए संग्रहालय में सुरक्षित है। प्राचीन मूर्तियों का परिचय। महाराज वासुदेव कालीन संवत्सर 84 की आदिनाथ की प्रतिमा, जिसे B4 नाम दिया गया है, संग्रहालय के अपनी एक लैंग्वेज होती है, ध्यानस्थ पद्मासन है। यद्यपि मस्तक और बाहु खंडित हैं, तथापि खरोंचा हुआ किनारीदार प्रभाबल बहुत कुछ सुरक्षित है। वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र एवं हाथों और चरणों में तलों पर चक्र चिन्ह बना हुआ है। देखिए जैन प्रतिमा की एक विशेषता और है, यहाँ वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह बना रहता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है। आसन पर एक स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र है, उसकी 10 स्त्री पुरुष पूजा कर रहे हैं, जिनमें से 2 धर्मचक्र स्तंभ के समीप घुटना टेके हुए हैं और शेष खड़े हुए हैं। कुछ के हाथों में पुष्प हैं और कुछ हाथ जोड़े यूं ही खड़े हैं। कुछ की मुख मुद्रा वंदना के भाव को लिए हुए है। इस मूर्ति के लेख में स्पष्टता भगवान अरहंत ऋषभ की प्रतिमा कहा गया है। देखिए स्त्री पुरुष पूजा के लिए नॉर्मली जोड़े से खड़े होते हैं और ये शुभ भी माना जाता है। कुछ धर्म जो मूर्ति के अगल बगल खड़े होकर उनकी पूजा की जाती है, तो हाथ जोड़ के, ये हाथ पद्मासन मुद्रा हो, हाथ जोड़ के खड़े हो, चाहे खड़गासन में हो चाहे पद्मासन में हो, और मुख मुद्रा दर्शन के भाव को लिए हुए है, तो सौम्य मुद्रा ही होती है, असौम्य नहीं होती। भगवान के सामने जाकर के हम क्रोध नहीं कर सकते, सौम्यता होती है, करुणा होती है, भक्ति के भाव होते हैं, विनम्रता होती है। ये देखिए, ये वही प्रतिमा है जिसको हम इसमें देख सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की एक सुंदर मूर्ति, जिसे V62 नाम दिया गया है, मूर्ति का सिर और उस पर नाग फण मात्र सुरक्षित मिला है। देखिए मूर्तियां कई बार खंडित कर दी गई, तो कहीं कहीं धड़ के ऊपर का भाग ही सुरक्षित मिलता है, तो नाग फण आपको दिख रहा होगा, पार्श्वनाथ का चिन्ह नाग है, तो नाग फण और सिर, कुछ धड़ का भाग सुरक्षित मिलता है। फण के ऊपर स्वस्तिक, रत्नपाल, त्रिरत्न, पूर्ण घट और मीन युगल, इन मंगल द्रव्यों के चिन्ह बने हुए हैं। क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए आपको जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, फिर भी जो फण के बहुत सारे नाग का एक फण है, तो जहाँ जहाँ मोटाई है फण की वहाँ वहाँ देखेंगे कुछ मंगल चिन्ह बने हुए हैं। इसके साथ ही कान कुछ लंबे हैं इस मूर्ति के, आँखों की भौएं उरुणा से जुड़ी एवं कपोल भरे हुए हैं, दोनों आँखों की भौएं जुड़ी हुई हैं, गाल फूले हुए हैं,
बाल बड़े हुए हैं, कान यहां तक चिपके हुए हैं। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की कला है कि जिनका शरीर बलिष्ठ हुआ करता था, या मूर्तिकार के दिमाग में जो कल्पना बनी कि भगवान तो बलिष्ठ होते हैं, सर्वांग सुंदर होते हैं, परंतु तपस्या काल में बाल बढ़ भी जाते हैं, तो उसी रूप में ये मूर्तियां यहाँ पर बना दी गई। इतिहासकालीन जैन मूर्तियों के अध्ययन की प्रचुर सामग्री हमें मथुरा के संग्रहालय में 47 मूर्तियों से प्राप्त होती है, जिनका व्यवस्थित परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने वहां की सूची के तृतीय भाग में दिया है। देखिए, मथुरा का संग्रहालय जैन मूर्तियों के इतिहास की जानकारी के लिए बहुत ही महत्व का है। वहां पर कंकाली टीले से हजारों मूर्तियां उपलब्ध हुई और उनका इतिहास लिपिबद्ध हो गया है, जिससे प्रामाणिकता, प्राचीनता और भक्तिभाव स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इनमें से अनेक मूर्तियों के आसनों पर लेख भी खुदे हुए हैं, जिनमें उनका काल विभाजन भी सुलभ हो जाता है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर 5वें से लेकर 90वें वर्ष तक का उल्लेख है, यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी, जिसमें 5.05 से लेकर 90 तक। अनेक लेखों में ये वर्ष शक संबत के अनुमान किए जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है शक संबत हमारे यहाँ चला है, तो शक संबत का भी ये लेख हो सकता है। कुछ लेखों में कुषाणवंशी कनिष्क, हुविष्क व वासुदेव राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। देखिए, कनिष्ठ काल, हुविष्क काल, शक संबत, ये अपने आप में ईसा पूर्व के समय के हैं या ईसा के बाद प्रथम दूसरी शताब्दी के ही हैं। तो आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी जैन मूर्तियों का प्रचलन रहा है, इससे सिद्ध हो जाता है। तीर्थंकर की मूर्ति ही बनाई जाती है, आपको बताया हुआ है 24 तीर्थंकर के नाम आप जानते हैं, उनकी ही मूर्ति बनाई जाती है। तो उनके परिचय के रूप में तीर्थंकरों की समस्त मूर्तियां दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो खड़ी हुई जिसे कायुसर्ग या खड़गासन कहते हैं, और दूसरी बैठी हुई पद्मासन मुद्रा में। दो ही मुद्राएं हैं, तीसरी कोई मुद्रा नहीं है, इन दो मुद्राओं में ही मूर्तियां बनाई जाती हैं। समस्त मूर्तियां नग्न व नासाग्र दृष्टि ध्यान मुद्रा में ही होती हैं, अर्थात नग्न होने का मतलब परिग्रह से रहित, अपरिग्रही। नासाग्र दृष्टि यानी ध्यान मुद्रा, कहीं ध्यान नहीं, एकमात्र आत्मा पर ध्यान। नाना तीर्थंकरों में भेद सूचित करने वाले वेल आदि चिन्ह इन पर नहीं पाए जाते। देखिए, प्राचीन काल की मूर्तियों में कोई चिन्ह अंकित नहीं होता था। चिन्ह की परंपरा जब धीरे धीरे विस्मृति चलने लगी, तो मूर्तियों की पहचान के लिए उनके जो जन्म के चिन्ह हुआ करते थे 24 तीर्थंकरों के अपने अपने अलग अलग, वो बनाए जाने लगे। ऋषभदेव का बैल, महावीर का सिंह, पार्श्वनाथ का नाग, नैमिनाथ का शंख, ये सारे चिन्ह बनाए गए, तो कोई ना कोई चिन्ह वहां पर बना दिया जाता था। लेकिन प्राचीन काल में कोई चिन्ह नहीं पाया जाता था, परवर्ती काल की प्रतिमाओं में वो चिन्ह पाए जाते हैं। अधिकांश मूर्तियों के बक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह पाया जाता है, तथा हस्त तल व चरण तल एवं सिंहासन पर धर्म चक्र, ऊषणीय तथा ऊर्णा अर्थात भौमों के बीच रोमगुच्छ, यानी दोनों भौएं मिली हुई, ऐसे बहुत सी मूर्तियों में पाए जाते हैं। अन्य परिकर उनके साथ क्या होगा, भामंडल, प्रभामंडल, दोनों पार्श्वों में चमर वाहक, जैसे दोनों तरफ यक्ष खड़े हैं और जो चमर से हवा कर रहे हैं सेवा के भाव में, ऐसा पाया जाता है। सिंहासन के दोनों ओर सिंह, हाथी, मीन युगल ये बना दिए जाते हैं। कभी कभी ये सिंह आसन को धारण किए हुए भी दिखाई, अर्थात आसन जो है उसको सिंह के रूप में बना दिया जाता है और उस पर तीर्थंकर की मूर्ति बनाई जाती है। ये सारी चीजें किसके लिए, बलिष्ठता दिखाने के लिए, श्रेष्ठता दिखाने के लिए, और उनसे ऊपर कोई नहीं है ये बताने के लिए, शक्ति के प्रतीक के रूप में भी ऐसा बना दिया गया है। ये देखिए, खड़गासन मुद्रा और पद्मासन मुद्रा, दो ही मुद्राएं मूर्तियों के लिए प्रचलित हैं, अन्य कोई तीसरी मुद्रा जैन मूर्ति में प्रचलित नहीं है। लाडनू के मंदिर में, लाडनू दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में, ये प्रतिमा भगवान शांतिनाथ की है, जो संबद 1038 में खुदाई से प्राप्त हुई है। इस पर जो लिखा हुआ है 1038 लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की है। ये पूरा परिकर मंदिर का, मंदिर खुदाई में निकला, आपके सामने जो ये आगे मेहराब बना हुआ है जिसमें दो खड़गासन मुद्राएं हैं, अंदर शांतिनाथ भगवान की पद्मासन मुद्रा है, पूरे के पूरे मेहराब में 24 तीर्थंकर बने हुए हैं, नीचे मीन युगल, सिंह, हाथी आदि बने हुए हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार का परिकर, इस प्रकार से मूर्तियों को बनाने की परंपरा प्राचीन काल से रही है, जिसमें 24 तीर्थंकर की छोटी मूर्तियां, मूल नायक की बड़ी मूर्ति
और अंदर पद्मासन मुद्रा या खड्गासन मुद्रा में तीर्थंकर की मूर्ति बनाई जाती थी। और इनकी श्रेष्ठता या इसको सजाने के लिए ये नीचे सिंह के चिन्ह, यक्षिणियों के चिन्ह, यक्ष के चिन्ह आदि बना दिए जाते थे। कुछ मूर्तियों का सिंहासन उठे हुए पद्म के रूप में दिखाया गया है, अर्थात कमल जैसे बना हुआ है, उसके ऊपर मूर्ति विराजमान है। कुछ में तीर्थंकर की मूर्ति पर छत्र भी, ऊपर से छत्र भी लगा हुआ है, और कहीं एक के सिंहासन पर बालक को गोद में बैठाए भद्रासन अंबिका की प्रतिमा भी है। देखिए प्रत्येक तीर्थंकर की यक्षिणी देवी होती थी, तो वो यक्ष यक्षिणियां भी अगल बगल रहती थी, तो ऐसा भी है कि बालक को एक गोदी में लिए हुए है और भगवान के समीप वो मूर्ति भी बना दी गई। ये उस काल की जैन प्रतिमाओं के सामान्य लक्षण हैं, इनसे हम पहचान सकते हैं कि प्राचीनकालीन है। केवल दो तीर्थंकरों की मूर्तियां अपने किसी विशेष लक्षण से युक्त पाई जाती हैं, वे आदिनाथ, जिनके केस बड़े बड़े मिल जाएंगे आपको, कंधे तक लटके हुए, अभी हमने दिखाया था कि आगे भी आ गए हैं, और दूसरा सप्तफणी नाग, पार्श्वनाथ की प्रतिमा, जिसमें नाग की विशेषता, नाग का फण बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कहीं कहीं कंधों पर भी नाग के चिन्ह आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए मध्य में तीन मूर्तियां हैं, मध्य में पार्श्वनाथ, इधर आदिनाथ हैं, और छोटी जो पद्मासन मुद्रा है वो भी आदिनाथ की है, जिसमें केस बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। आदिनाथ के तपस्या काल में उनकी जटाओं का उल्लेख कई जगह प्राप्त होता है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। कुषाण काल के पश्चात अब हम गुप्तकालीन प्रतिमाओं की बात करें, तो गुप्तकालीन प्रतिमाओं में ईसा की चौथी सती से प्रारंभ होता है ये काल। इस युग की 37 प्रतिमाओं का उल्लेख मथुरा के संग्रहालय में कराया गया है, उससे इस युग की निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं। सबसे पहला क्या, तीर्थंकर मूर्तियों के सामान्य लक्षण तो वे ही पाए जाते हैं जो प्राचीन काल में थे, परंतु कुषाण काल में कुछ मूर्तियों में विशेषता आ गई थी। भगवान की मूर्तियों के परिकर में अब कुछ वैशिष्ट दिखाई देने लगा, मूर्तियों का परिकर सुंदर बनाया जाने लगा, प्रतिमाओं का उष्णीस कुछ अधिक सौंदर्य घुंघरालेपन के साथ पाया जाता है, प्रभावल में विशेष सजावट दिखाई दी जाती है, धर्म चक्र व उसके उपासक तो पूर्वती हैं, परंतु कहीं कहीं मृग आदि के चिन्ह भी, मोर आदि भी या हिरण आदि भी बना दिए गए हैं। देखिए एक कुषाण कालीन कुछ प्रतिमाएं हैं, किसी का सिर खंडित कर दिया गया, किसी का सिर और परिकर खंडित कर दिया गया। इधर जो ऊपर तीसरे नंबर पर प्रतिमा है, देखिए नीचे जो आसन बना हुआ है ऊंचा है, ऊंचे के साथ नीचे यक्ष यक्षिणी देवियां देवता बने हुए हैं जो उनकी श्रद्धा भक्ति या पूजन के लिए आ रहे हैं। मध्य में जो ऊपर की प्रतिमा है उसमें भी दोनों तरफ सिंह बने हुए हैं और यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं। नीचे आए तो प्रथम जो स्तंभ नुमा है उसके मध्य में तीर्थंकर की खड़गासन प्रतिमा है और उसके चारों तरफ देवियां यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं। ऊपर का जो भाग खंडित है उसमें भी यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं। नीचे मध्य में जो प्रतिमा है वो ऋषभदेव की है, परंतु सिंह मुकुट जैसा प्रतीत हो रहा है। नीचे दोनों तरफ यक्ष यक्षिणियां हैं जो हाथ में फर लेकर के या कुछ ऐसा कपड़ा लेकर के हवा करने के लिए, सेवा के लिए लिए हुए हैं। नीचे यक्ष यक्षिणी बने हुए हैं और पूरा जो परिकर दिख रहा है, इस पूरे परिकर में तीर्थंकर की मूर्तियां, कुछ देवियों की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। इधर नीचे खड़गासन मुद्रा में भी भगवान की प्रतिमा है, जिसमें देखिए परिकर भामंडल बहुत बड़ा है, मूर्ति खंडित होने से संग्रहालय में सुरक्षित है। नीचे एक रस्सी सी आपको दिख रही होगी, ये साथ से साथ को जोड़ने वाली, ये एक प्रकार की देवी युक्त या देव युक्त चीज है, जिसमें बगल में देवियां थी, वो एक दूसरे को पकड़ करके भगवान की सेवा के लिए थी, तो ऐसा परिकर भी बनाया जाता है या पाया जाता है। इधर देखिए वापस कुछ खंडित प्रतिमाएं हैं, एक का तो मस्तिष्क ही अवेलेबल है, बीच में वापस आइए तो देवी की प्रतिमा है, इधर पद्मासन मुद्रा में तीर्थंकर की प्रतिमा है, ऊपर मध्य में आभा मंडल युक्त प्रतिमा है जो खंडित रूप में उपलब्ध होती है। अब आते हैं गुप्त काल में। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के काल में गुप्त संवत 106 की बनी मूर्ति विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफा में उत्कीर्ण पार्श्वनाथ की मूर्ति इस काल में मूर्तिकला के लिए ध्यान देने योग्य है। विदिशा मध्य प्रदेश में, गुप्त काल का प्रारंभ वहां होता है, तो वहां एक मूर्ति उपलब्ध होती है। दुर्भाग्यता मूर्ति खंडित हो चुकी है, तथापि उसके ऊपर का नागफण अपने भयंकर दांतों से
बड़ा प्रभावशाली और अपने देव की रक्षा के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब मूर्ति को खंडित कोई करने कोई आया हो तो जो नाग फण ऊपर बना था वो सजीव हो गया हो और क्रोध करके जीभ बाहर निकाल के खड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है। विशालता की दृष्टि से मध्य प्रदेश में बड़वानी नगर के समीप चूलगिरी नामक पर्वत पर लगभग 84 फीट ऊंची खड़गासन प्रतिमा है जो 52 गजा के नाम से प्रसिद्ध है। 52 गज। इसके एक ओर यक्ष और दूसरी ओर यक्षिणी भी उत्कीर्ण है। चूलगिरी के शिखर पर 2 मंदिरों में 3-4 मूर्तियों पर संबत 1380 यानी 1380 का उल्लेख है, जिससे इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा कम से कम 14वीं सदी से सिद्ध होती है, यानी लगभग 700 वर्ष पहले ये क्षेत्र बनाया गया। ये देखिए वो प्रतिमा है जो खड़गासन मुद्रा में है, 52 गज की है, अपने आप में ही बहुत लंबी है, 26 मीटर 84 फीट हाइट लिखा हुआ है, 26 m 84 फीट, लोकेशन बड़वानी मध्य प्रदेश, और डिप्लिका लॉर्ड आदिनाथ की है, स्टेचू आदिनाथ 52 गजा की है। इसका डिस्क्रिप्शन हर जगह मिल जाता है। इस प्रकार से देखिए हम विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को देख रहे हैं, खड़गासन, पद्मासन, कुछ खंडित हो गई हैं जिनसे संबत का ज्ञान हो रहा है, कुछ कुषाण कालीन है, कुछ शक कालीन है, हूण कनिष्क कालीन है, मौर्य कालीन है, गुप्त कालीन है। अभी इनका हम इतिहास जब कनेक्ट करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास अशोक के टाइम का है, जो ईसा पूर्व द्वितीय तीसरी शताब्दी से शुरू होता है। अशोक के बाद जितनी धर्म के प्रचार प्रसार में वृद्धि हुई तो हर राजा ने हर अपने शासन काल में जैन धर्म को प्रश्रय दिया, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा प्रधान, जैन धर्म शाकाहार प्रधान, जैन धर्म संयम प्रधान, जैन धर्म अपरिग्रह प्रधान और जैन धर्म सामंजस्य प्रधान। इस सारे गुण होने से जैन धर्म को प्रश्रय प्रत्येक राजा ने दिया। आपको ज्ञात हो सम्राट अकबर ने भी टोडरमल जी को अपने राज्य में वित्त मंत्रालय सौंपा। टोडरमल जी ब्राह्मण थे, बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और जैन सिद्धांतों से बहुत अच्छे से परिचित थे, प्रभावित भी थे और दयादान भक्ति उनके जीवन का एक हिस्सा थी। ऐसे ही कई राजाओं ने जैन धर्म का प्रश्रय दिया, उसको संबोधन दिया और अपने साथ उसका प्रभाव भी किया। देश में प्रायः समस्त भागों के दिगंबर जैन मंदिरों में ऐसी जिन प्रतिमाएं विराजमान है या पाई जाती हैं जिनमें उनके साह जीवराज पापड़ीवाल द्वारा संबत 1548 या ईस्वी कहें तो 1490 में प्रतिष्ठित कराए जाने का तथा भट्टारक जिन चंद्र या भानुचंद्र का स्थान मुड़ासा का और राजा या रावल शिवसेन का उल्लेख मिलता है। देखिए मैं कल ही बता रहा था आपको, मैं लूणवा गया, अतिशय क्षेत्र है, वहां पर ये उल्लेख मिलता है। मैंने लिखा भी है कि जीवराज पापड़ीवाल ने 1,00,000 मूर्तियां प्रतिष्ठित कराकर उनका सर्वत्र यानी पूरे देश में जिन पूजा के निमित्त वितरण कराया था। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है ये रांगा होता है, धातु होती है, इसका व्यापार करते थे, जगह जगह गांव में बैलगाड़ी में रांगा रख के ले जाते थे, बेचा करते थे। इन्हें इनका जीवन संयमित था, कभी भी चोरी व्यापार नहीं करते थे, ईमानदारी से कार्य करते थे। तो एक बार इन्हें बहुत सारे धन की प्राप्ति हो गई, जंगल में जाते रहे, बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई, उस धन को इन्होंने दुरुपयोग में ना लगा के सदुपयोग करना चाहा और उस धन के उपयोग में इन्होंने बहुत सारी जिन प्रतिमाएं बनवाई, जिन मंदिर बनवाए और बहुत सारी जिन प्रतिमाओं को जगह जगह जहां मंदिर हैं प्रतिमाएं नहीं हैं या प्रतिमाएं कम हैं, वेदी कम है, समाज ज्यादा है, वहां भिजवा दिया और पूरे देश में लगभग 1,00,000 जिन प्रतिमाएं इन्होंने पूरे देश में वितरित करवाई कि जहां प्रतिमा नहीं है वहां मैं स्थापित करा देता हूं। लूणवा के दिगंबर जैन मंदिर में इसका उल्लेख किया गया है, पूरे चित्र में इनका उल्लेख दिया गया है, जीवराज जी पापड़ीवाल साहब का, कि इन्होंने 1,00,000 जैन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई और पूरे देश में भेजी। इससे सिद्ध होता है कि जिन प्रतिमाओं का इतिहास आज का नहीं है, ईसवी सन का भी नहीं है, ईसवी सन के पूर्व का रहा है और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद से ही जिन प्रतिमाओं का उल्लेख कंटिन्यू चल रहा है, बनाई जा रही है। हाँ, खड़गासन, पद्मासन ये दो मुद्राएं हो सकती हैं, मूर्तियों की विभिन्न प्रकार की मुद्रा भी पाई जाती है, जैसे आपको बताया आदिनाथ की केस वाली मुद्राएं, कहीं कहीं पर कान यहाँ चिपके हुए हैं, कहीं कहीं पर मूर्तियां पूर्णतः स्वच्छ सुंदर हैं, कहीं कहीं सुसज्जित मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, कहीं सिंह के आसन पर हैं, कहीं कमलासन पर हैं,
कहीं पर अगल बगल मोर बनाए गए हैं तो हिरण बना दिए गए हैं, और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां भी प्राचीन मूर्तियों के साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने जैन मूर्ति कला उसके इतिहास को जाना। अब आगे हम जैन चित्रकला की बात करेंगे। थैंक्स।